वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर वेरा नेचुरल हेयर कलर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। इसका मैं रिव्यू करूंगी, इसको मैंने अप्लाई किया है और आज मुझे है थर्ड डे। यस, परसों मैंने लगाया था, एक दिन छोड़ा था, उसके बाद करवा चौथ में मैंने ऑयलिंग करके इसको वॉश कर दिया था। मीन्स आज मैंने इसको वॉश किया है। और फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी इसका कि मुझे ये कैसा लगा, और कलर भी शेयर करूंगी कैसे मेरा कलर चेंज हुआ, और अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि किस तरह से मुझे ये फील हुआ कि ये वर्थ है परचेज करना या नहीं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज का आप मिस ना कर पाए। मैंने बायोटिक हिना का पैक भी ले रखा है, उसको भी मैं ट्राई करूंगी और रिव्यू करूंगी। और फ्रेंड्स, मैं पायल सिन्हा का हर्बल हिना भी मैंने परचेज किया हुआ है, वो अभी डिलीवर होने वाला है। जैसा कि अभी मैंने इसको लगाया है तो साथ के साथ तो मैं और कोई कलर नहीं रिव्यू कर पाऊंगी क्योंकि मुझे लगाना भी है, तो कम से कम 10 दिन का गैप होगा उसमें। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता सकते हैं कि आपको बायोटिक हिना का रिव्यू पहले चाहिए या फिर आपको पायल सिन्हा जी का हर्बल हिना वाला पैक। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पिछले वीडियो में आपने इसी की ज्यादा वोटिंग आई थी, इसी का ही ज्यादा सब लोगों ने बोला था कि इसका आप रिव्यू करें, तो इसीलिए मैंने इसका पहले रिव्यू किया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे लगाना है करवा चौथ आने वाला है, मुझे कलर लगाना है, या तो मैं बायोटिक का लगाऊंगी या शहनाज हुसैन का लगाऊंगी क्योंकि मैंने दोनों ही मंगाए थे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर कमेंटिंग एंड योर फीडबैक। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि कलर वेदा नेचुरल हेयर कलर शहनाज हुसैन जी का है और ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। ये 100 ग्राम्स का है, 200 रुपीस का आता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं जल्दी से पढ़ूंगी क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको इसका पूरा डिटेल बताया हुआ है। यहाँ पे है हिना, आंवला, ब्राह्मी, चिकाकाई, भृंगराज, मंजिष्ठा अलोंग विद कथा एंड इंडिगो, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी डाई करने के लिए, अपने कलर बालों को कलर करने के लिए, ग्रे हेयर को कलर करने के लिए। ये मैंने जो चूज़ किया था ये था ब्लैकिश ब्राउन कलर, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि इसमें पैकेट है, ग्लव्स है, ब्रश है और शावर कैप है। मैंने इसको यूज़ किया है और ये अभी इतना ही बचा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है कुनकुरा पानी, गर्म पानी थोड़ा सा लेना है और उसमें हमने घोल बनाना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपनी रूट्स में इसको अप्लाई करूँगी। रूट्स में अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे 4 चम्मच ले रही हूँ। 4 चम्मच लेने के बाद आप देखेंगे कि जब ल्यूकवॉर्म वाटर से इसका पेस्ट बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी। सुबह ही धोया था और उसके बाद मैं उस दिन नहीं लगा पाई, तो नेक्स्ट डे मैंने इसको लगाया है। मींस मेरे हेड पे कंडीशनर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था, मैंने हेयर वॉश किए थे, नेक्स्ट डे मैंने इसको अप्लाई किया था पेस्ट को। और इस पेस्ट को अप्लाई करना है आपने 3 घंटे के लिए, इसमें ऐसा लिखा है 3 घंटे के लिए। मैंने इसको यूज़ किया था 5 आवर्स। जी हाँ, मैं लगाने में थोड़ा लेट हो गई थी, 1:30 बजे मैंने लगाया था और मैंने 6:30-7 के आसपास मैंने अपने हेड को वॉश किया था। तो फ्रेंड्स, मैंने 5 घंटे इसको रखा अपने हेड पे और शावर कैप के साथ ही रखा मैंने। फ्रेंड्स, शावर कैप रखने से आपके जो हर्ब्स होती हैं वो उसका कलर बाहर नहीं जाता, ऑक्सीडाइज नहीं होता, आपके बालों में ही ऑक्सीडाइज होता है। प्लस आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आप उसको कैप लगा के रखते हैं, और कैप नहीं लगाएंगे आप और विंटर सीजन भी आ रहा है, हल्की हल्की जैसे ठंडी हवाएं चलती हैं, आपकी जो सारी पेस्ट है ये ड्राई हो जाती है जल्दी से और आपको ठंड लगने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो शावर कैप पहनने से जो हमारी रूट्स होती हैं उसमें गर्माहट पैदा होती है, जिससे कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाते हैं आपके बालों में, आपकी जड़ों में। तो फ्रेंड्स, ये फंडा होता है आपकी शावर कैप को लगाने का। तो शावर कैप आप ज़रूर लगाएं, इसमें दिया है यूज़ एंड थ्रो भी कर सकते हैं, आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं 2 से 3 टाइम। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको रखा 5 घंटे और उसके बाद मैंने धोया बालों को, और बालों को धोने के बाद आप कलर देख सकते हैं। यहाँ मैं बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स दिखा रही हूँ। उसके
पानी से वॉश करने के बाद है, हमने सिंपल वॉश करना है पानी के साथ, हमने कोई भी शैम्पू कंडीशनर नहीं लगाना है। और अभी उसके बाद जब आज करवा चौथ था तो तब भी मैंने छोटी सी क्लिप ली थी और इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज का कैसे ही शैम्पू के बाद का कलर है। इंडिगो की फ्रेग्रेंस सिंपल से होती है, वो बहुत हार्श होती है, कभी कभी सिर दर्द हो जाता है, तो ऐसा इसमें नहीं था। और हेड को वॉश करने के बाद जो फ्रेग्रेंस बालों में रही कुछ टाइम के लिए, मीन्स एक दिन के लिए उसमें फ्रेग्रेंस थी और वो भी बहुत अच्छी थी और सूदिंग थी। प्लस इसको वॉश करने के बाद आपके बाल बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे, मीन्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे, झाड़ू जैसे नहीं बनेंगे, थोड़े से ठीक रहेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे हम हीना इंडिगो प्रोसेस करते हैं उसके जैसे आपका बहुत ज़्यादा झाड़ू जैसे बाल नहीं होंगे, मीन्स ड्राई नहीं होंगे। एंड देन कलर की जहाँ हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स मेरे जो ऑरेंज शेड के कलर के बाल थे वो सारे ब्लैकिश में हुए हैं, ब्लैकिश में, जेट ब्लैक में नहीं कहूँगी, ब्राउनिश ब्लैक कहूँगी, मीन्स जो ब्राउन में भी डार्क ब्राउन कलर आता है वो कलर है। और जो रूट्स में था, आप रूट्स में क्लियरली देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था हिना वाले बालों में, मीन्स मेरे बाल पहले से ही ऑरेंज या फिर ब्राउन थे, उसमें मैंने अप्लाई किया था, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला क्योंकि मैं हिना रेगुलरली अप्लाई करती रहती हूँ, ठीक है। और आप अगर सिर्फ वाइट बाल हैं आपके, तो आपको ये हो सकता है फर्स्ट टाइम में अच्छा जो इसका रिजल्ट है ना मिले, क्योंकि वाइट हेयर पे उसका इतना अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं देखा जो रूट्स पे था, लेकिन बाकी के मेरे जो हेयर थे वो कवर हो गए थे, ऑरेंज से ब्राउन में हो गए थे, तो आई कैन मैनेज कि जो मेरे रूट थी वो वाइट, बिल्कुल वाइट नहीं थे, हल्का सा उसमें कवर अप आया था कलर का, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो पूरा ब्लैकिश ब्राउन कलर आया था। तो अगर आपके पूरे वाइट बाल हैं तो आपको इसकी 2 से 3 एप्लीकेशन करनी पड़ सकती है, और 2 से 3 एप्लीकेशन के लिए आप इसको रिपीट आफ्टर 1 वीक यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हर्बल था, और उसके बाद जब मैंने शैम्पू किया इसको, मैंने ऑयलिंग की अच्छे से, मैंने ऑयलिंग की तो मैंने असेंशियल ऑयल्स भी यूज़ किए, कंडीशनर भी लगाया बाद में, और मैंने सिरम भी लगाया, तो मेरे बालों में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मैंने हिना इंडिगो का प्रोसेस किया। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आप हिना इंडिगो का प्रोसेस करते हैं तो हम कंडीशनर, सिरम, एसेंशियल ऑयल और बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑल इन वन सब किया था, तो मुझे अपने बालों में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लगी, मेरे बाल सिल्की स्मूथ लगे और मुझे अच्छा लगा ये कलर। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, और जितना मैंने यूज़ किया था आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने सिर्फ रूट पे यूज़ किया था, 4 चम्मच मैंने लिए थे, और ये मेरा 2 से 3 बार और चलेगा, मीन्स ये 4 बार कवर कर देगा। अगर मैं 1 वीक में एक बार भी इसको लगाती हूँ तो मेरा 1 मंथ चल जाएगा, लेकिन मैं इसको 1 वीक में एक बार नहीं लगाने वाली हूँ, मैं इसको 15 दिन या 20 दिन में एक बार लगाऊंगी, जिससे कि मेरे जो ऑरेंज हुए बाल, मेहंदी से ऑरेंज हुए बाल हैं, वो अच्छे से ब्लैकिश ब्राउन हो जाए। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो कि करवा चौथ में जो मेरा कलर था मैंने यही लगाया था और मुझे ये अच्छा लगा। आई रिकमेंड कि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को सर्च कर रहे हैं हेयर कलर करने के लिए, आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट, और थैंक्स फॉर कमेंटिंग एंड योर फीडबैक, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे पता चलता है कि डिफरेंट टाइप के कलर है अवेलेबल मार्केट में जिसको मैं ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसे इंसान हूँ जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में बिलीव करती हूँ और सोचती हूँ कि नेचुरल चीज़ों से अगर हमें कुछ बेनिफिट होता है, क्योंकि वाइट हेयर की प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज़्यादा, प्री मैच्योर ग्रेइंग भी बहुत ज़्यादा है, खान पान ठीक नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा केमिकल वाली डाइज यूज़ करते हैं लोग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी करती है और नुकसान भी करती है। लॉन्ग रन में अगर आप उसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली नुकसान होने वाला है आपके शरीर को। तो फ्रेंड्स हर्बल चीज़ों से बनी हुई कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज है बहुत अच्छा है किसी के लिए भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे देखूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेक फॉर रिव्यू, उसके जो रिव्यू या फिर उसकी रेटिंग दी हुई होती है उसके हिसाब से मैं देखती हूँ, और मैं रिसर्च करती हूँ ऑनलाइन कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या प्रोसेस है और क्या चीज़ है वो, देन आई डिसाइड कि उसको मैं मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ, और मंगाने के बाद मैं फिर उसको यूज़ करती हूँ, यूज़ करने के बाद आपको रिव्यू देती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर कोई ऐसा है प्रोडक्ट आपकी नज़र में या आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा हम रिव्यू करें आगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर
सब अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस का आप मिस न कर पाए। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।